सत श्री अकाल तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं आ जज सिंह चाहड़। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे पंजाब दी विधानसभा दी, जिस दे विच जिन्ने भी अहम मुद्दे जिहड़े कि तुहाडे लई जानने जरूरी ने उस बारे तुहानूं जानकारी देण जा रहे हैं। दीप सिद्धू नूं लैके श्रोमणी अकाली दल आपस दे विच दो फाड़ हुंदा दिखाई दिंदा है। किसानां ने बीजेपी नूं सबक सिखाउण दीआं तैयारियां शुरू कर लईआं ने। प्रशांत किशोर नूं पंजाब दा कैबिनेट मंत्री बनाउण नूं लैके विवाद हुंदा दिखाई दिंदा है। आम आदमी पार्टी नूं पंजाब दे विच इक वड्डा हुलारा मिलिआ है, सारी जानकारी दिंदे हां। पर सब तो पहला शुरुआत करते हैं पंजाब की विधानसभा तो, जिसका कि 2 मार्च नूं दूजा दिन सी, जिस दे विच बहुत सारे अहम मुद्दे विधानसभा दे विच विचारे गए ने। श्रोमणी अकाली दल के मजीठा तो विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया दे वल्लों एक खुदकुशी नोट, 2 किसान प्यो पुत्रां दा खुदकुशी नोट विधानसभा दे विच दिखाया गया। दसूआ दे विच 2 किसानां ने जिहड़े कि आपस दे विच प्यो पुत सन, उन्होंने खुदकुशी नोट लेके खुदकुशी कर ली सी अते सीधे तौर पर जिम्मेवार केंद्र सरकार के 3 खेती कानूनों अते कैप्टन सरकार की जिहड़ी कर्जा मुआफ़ी का वादा सी उसनू पूरा नहीं किया गया, इन्हां नू कारण दस्सिया गया सी। बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब की विधानसभा दे विच एक खुदकुशी नोट दिखा के मंग की थी कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अते पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ से बाय नेम भाव उन्होंने नाम से परचा दर्ज किया जाना चाहिए है कि इन्हां दे करके ही इन्हां दोनों प्यो पुत्तां ने खुदकुशी की है। मजीठिया का कहना है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चोणां तो पहला वादा किया कि वह सारा कर्जा सारे किसानों का पंजाब दे विच मुआफ कर देंगे। लोगों ने सोचा कि हाँ मुआफ हो जाएगा, सरकार बना दी सी, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के लोगों किसानों धोखा किया, उनका कर्जा मुआफ नहीं किया, जिस करके किसानों खुदकुशी करनी पै रही है। तो खुदकुशी नोट के पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम भी लिखा गया है, इस करके खुदकुशी करने उकसाउण का परचा इन्हां दोनों से दर्ज किया जाना चाहिए है। कैप्टन सरकार विधानसभा दे विच खुदकुशी मुद्दे नूं लैके किसान कर्जा मुआफी नूं लैके कसूती घिरदी दिखाई दिती है। दूजे पासे विरोधी पार्टियां कह रही ने कि श्रोमणी अकाली दल ने अपनी सरकार वेले किन्या का कर्जा मुआफ किया सी, जदों इन्हां दी सरकार सी उदों भी बहुत सारे किसानों ने खुदकुशी की सी, पर उदों तां इन्हां ने अजिहा कोई भी मुद्दा नहीं चुकिया। श्रोमणी अकाली दल लगातार मंग कर रहा है कि 4 साल हुण कैप्टन सरकार दे पूरे हो गए ने, जिहड़े वादे कीते सन हुण तां उन्हां दा जवाब देना ही पैना है। खुदकुशी तो अगे वध के एक होर मुद्दा भी चुकिया गया है, सरकार दे वल्लों एक्साइज एक्ट दे विच सोध करन दी गल विधानसभा दे विच कीती जा रही है, भाव शराब दे नाल जुड़िया होया जिहड़ा कानून हुंदा है उस दे विच कुछ सोधां कीतियां जाणगियां तां जो जिहड़ी ब्लैक हुंदी है शराब दी उस नूं रोकिया जा सके, जिहड़े आप ही शराब बनाउण लग पैंदे ने जाली शराब उस नूं भी रोकिया जा सके। इस कानून नूं सख्त करन दी गल कैप्टन सरकार दे वल्लों कीती जा रही है। विरोधी पार्टियां टुट के पै गईआं ने, कहिंदियां ने कि 4 साल हो गए ने हुण इन्हां नूं एक्साइज एक्ट दे विच सोधां करन दी याद आई है। आम आदमी पार्टी वालों विरोधी धिर नेता हरपाल सिंह चीमा कहिंदे ने कि माझे दे विच इन्नियां जानां गवाउण तों बाद उदों भी कैप्टन सरकार नहीं जागी सी अते 4 सालां बाद हुण इन्हां नूं एक्ट दे विच सोधां करन दी याद आई है, जदकि जिहड़ा मशराब माफिया पहलां अकालियां वालों चलाया जांदा सी, लुट कीती जांदी सी पंजाब सरकार दे खजाने दी, उही लुट 4 साल तक कांग्रेसियां दे वालों भी कीती गई है अते लुट निरंतर जारी है। इह जाणबुझ के हुण सोधां करन दीआं गल्लां कीतियां जा रहियां ने, इन्हां सोधां तों बाद भी पंजाब दे विच शराब माफिया नूं कोई भी आंच नहीं आनी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आप ही इस वेले शराब माफिया नूं चलाउंदी देखी जा सकती है। अजिहा दावा आम आदमी पार्टी वालों कर दिता गया है। एक होर बड़ा अहम मुद्दा विधानसभा दे विच श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों चुकिया गया है। बिक्रम सिंह मजीठिया ने स्पीकर दे अगे मंग रखी कि जिहड़े लोग जिहड़े विधायक अपनियां पार्टियां बदल गए ने उन्हां ते कारवाई की जानी चाहीदी है। कानून है जिहड़ा अपनी विधायक पार्टी बदल लैंदा है उसकी मैंबरशिप खारिज हो जाती है। पंजाब दे विच बहुत सारे अजिहे विधायक ने जिन्हां दे वल्लों अपनियां पार्टियां बदलियां गईयां, कईयां दे वल्लों सुखपाल सिंह खहरा वर्गियां दे वल्लों नवीं पार्टियां भी बनाईयां गईयां, चोणां भी लड़ियां गईयां, पर स्पीकर दे वल्लों इन्हां ते कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। खास तौर पर आम आदमी पार्टी दे ये सारे विधायक सन जिहड़े कि जां तां अपनियां पार्टियां बना गए जां फिर दूजियां पार्टियां में शामिल
हो गए, जिन्हां दे विच सुखपाल सिंह खैरा दा नाम लिया जा सकदा है, अमरजीत सिंह संधोआ दा नाम, नाजर सिंह मानशाईया, इस तों इलावा बाकी होर भी विधायक सन कई तां वापस आ गए ने, जिवें कि जगतार सिंह जग्गा हिस्सोवाल वापस आ गए ने, इस तों इलावा बलदेव सिंह जैतो वापस आ गए ने, अमरजीत संधोआ भी आम आदमी पार्टी विच वापस आ गए ने। पर श्रोमणी अकाली दल कहिंदा है कि आम आदमी पार्टी अते कांग्रेस पार्टी आपस विच मिले होए ने, जदके कानून कहिंदा है कि उसे वेले ही इन्हां दी एमएलएशिप कैंसल की जानी चाहिए सी। कांग्रेस पार्टी के स्पीकर ने जानबूझ के इन्हां दी मैंबरशिप खारिज नहीं कीती है, कीती जानी चाहिए है। जबकि यह विधायक सुखपाल सिंह खैरा दे कोलों पुछया गया कि अकालिया ने यह मुद्दा चुकया है, तो कहिंदे ने कि अकालिया नूं संविधान पढ़ लेना चाहिए है, कानून पढ़ लेना चाहिए है, जेकर स्पीकर ने साढ़े ते कोई कार्रवाई करनी है तो विधानसभा दीआं 30 बैठकां होनियां चाहीदियां ने, उस तों बाद ही स्पीकर साढ़े ते कोई कार्रवाई कर सकता है। अते आम आदमी पार्टी की जेकर गल करिए उन्होंने वालों भी सुखपाल सिंह खैरा अते होर जिहड़े एमएलए छड़ के गए सन आप नूं, उन्हां दे खिलाफ स्पीकर कोल जाके शिकायत की गई सी। आम आदमी पार्टी नूं भी जवाब सुखपाल सिंह खैरा दे वल्लों दे दिता गया है। वह कहिंदे ने कि दोहरा रवैया आम आदमी पार्टी किवें अपना सकती है, जिहड़े वापस नहीं गए आम आदमी पार्टी विच उन्हां नूं कही जांदे ने कि इन्हां दी मैंबरशिप खारज करो, जिहड़े वापस चले गए ने कि वह दुद्ध धोते हो गए ने, उन्होंने कानून नहीं तोड़िया। आम आदमी पार्टी इत्थे दोहरा रवैया अपना रही है, यह इल्जाम सुखपाल सिंह खैरा दे वल्लों आम आदमी पार्टी ते ला दिता गया है। दल बदलूआं दा मुद्दा भी पंजाब दी विधानसभा दे विच गूंजदा इत्थे दिखाई दिता। कंवर संधू भी इन्हां ही विधायकों में शामिल ने जिहड़े कि अपनी पार्टी तो नाराज़ चल रहे ने, आप विधायक ने पर नाराज़ ने अपनी पार्टी तो, उन्होंने वालों विधानसभा दे विच एक मुद्दा चुकिया गया है। 1 मार्च नूं पहला दिन सी विधानसभा का, उस दे विच गवर्नर का बड़ा जबरदस्त विरोध विरोधी पार्टियां दे विधायकों वल्लों कीता गया। लोक इंसाफ पार्टी के 2 विधायक ने बैंस भरा दूना ने विरोध किया, श्रोमणी अकाली दल के विधायकों ने भी गवर्नर का विरोध कर दिता। आम आदमी पार्टी ने अते श्रोमणी अकाली दल ने कापियां तक गवर्नर के भाषण दियां पाड़ दित्तियां। कंवर संधू ने मुद्दा यह चुकया कि यह विधानसभा की गरिमा के खिलाफ है, इस करके इन्हां विधायकों पर कार्रवाई की जानी चाहिए है। कंवर संधू कहिंदे ने कि जेकर आपां रोस प्रदर्शन करना है, कुछ विरोध करना है, तो विधानसभा तो बाहर किया जाना चाहिए है, उस पर कोई भी मनाही नहीं है। लोकतंत्र दे विच विरोधी पार्टियां विरोध करदियां ही होंदियां ने, पर विधानसभा के अंदर जानबुझ के खबरां बनाउण लई अजिहा किया जाता है, इदां नहीं करना चाहिए। विधानसभा जिन्ने क दिन बैठती है उत्थे बैठ के कोई काम की गल की जानी चाहिए है, तां जो विधानसभा के सैशन का कोई नतीजा सिट्टा निकल सके। इदां जेकर रौला रप्पा ही पाई जावांगे तां कोई भी सिट्टा नहीं निकलेगा, अल्टीमेटली पंजाब दे लोकां दा ही नुकसान होएगा। कंवर संधू का कहना है कि पंजाब दे लोकां ने विधायकों नूं चुन के इसे करके भेजा है कि विधानसभा दे विच जाके अपने हलकियां दे मुद्दे सरकार दे सामने रख सकन, तां जो उन्हां मुद्दियां दा हल करवाया जा सके। पर विधायकों का अजकल यह रवाज ही बन गया है कि आके विधानसभा दे विच सिर्फ ते सिर्फ विरोध ही करना है, ना कोई काम आप करना है, ना ही किसी नूं करन देना है। यह सही पिरत नहीं है, इदा नहीं होना चाहिए। बाहर विरोध प्रदर्शन करो पर अंदर आके काम किया जाना चाहिए है, ता जो जिस काम लोगों ने चुनिया है वो काम तो हो सके। ये सवाल असी तुहाडे कोलों भी पूछ लेना चाहते हैं कि की तुसी कंवर संधू की इस गल दे नाल सहमत हो कि विधानसभा के अंदर विरोधी पार्टियां नूं सरकार के खिलाफ या फिर गवर्नर के खिलाफ कोई भी रोस प्रदर्शन नहीं करना चाहिए है, जिहड़े काम लई चुन के भेजे गए ने उही करना चाहिए है, भाव अपने मुद्दे चुकने चाहिए ने, बहस दे विच हिस्सा लेना चाहिए है, सरकार नूं मुद्दे याद करवाने चाहिए ने। सहमत हो? जो भी तुहाडी राय है कमेंट करके अपनी राय खुल के बेबाक हो के जरूर दिओ। जेकर गल की जाए स्पीकर की तो उन्होंने वालों भी कंवर संधू की इस गल से भरोसा दवाया गया है कि जिन्होंने गवर्नर का विरोध किया है उन्होंने विधायकों पर कार्रवाई की जा सकती है। विधानसभा के सैशन के दूजे दिन एक होर भी गल बड़ी अहम देखने वाली रही। लुधियाना की एक महिला के वलों औरत के वलों सिमरजीत सिंह बैंस से बलात्कार के आरोप लाए गए सन। अजे तक सिमरजीत सिंह बैंस की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वह महिला विधानसभा के बाहर पहुँच गई और बैंसा के खिलाफ रोस प्रदर्शन करना शुरू कर दिता। हाथ में तख्तियां फड़ियां हुई सन, बेशर्म लिखिया बैंसा बलात्कारी लिखिया और उन्होंने FIR दर्ज करने की मांग इस महिला के वलों की गई। पूछा गया कि इतों तक क्यों आना पै गया है, तो औरत का कहना है कि पुलिस के वलों उसकी कोई भी गल नहीं सुनी जा रही है। जेकर
बैंस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त तो सख्त और छेती तो छेती ना की गई तो मेरे को खुदकुशी तो इलावा होर कोई भी रस्ता नहीं बचेगा, मैं खुदकुशी कर लवांगी जेकर बैंस के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हुई। उस औरत दे वल्लों विधानसभा के बाहर मीडिया के अगे ये ऐलान कर दिता गया। इस तरह विधानसभा का दूजा दिन भी बहुत अहम रहा, बहुत सारे मुद्दे इस दे विच चुके गए ने। अगली खबर के वल वधदे आ जिहड़ी कि कैप्टन सरकार दे नाल जुड़ी हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों चोण रणनीतिकार प्रशांत किशोर नूं पंजाब दा कैबिनेट मंत्री बना दिता गया है, जिस नूं लैके विरोधी पार्टियां दे वल्लों कैप्टन अमरिंदर सिंह ते हल्ला बोलिया जा रहा है। भगवंत मान कहिंदे ने कि बिहार दे बंदे नूं पंजाब दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लियांदा है, पंजाबीयत दा अपमान कैप्टन दे वल्लों कीता गया है, पंजाबी मुआफ नहीं करनगे। बिक्रम सिंह मजीठिया कहिंदे ने कि जुमलेबाज है प्रशांत किशोर, पहला भी वादे करवा के दौड़ गया सी, एक बार फिर तो आया है, पर पंजाबी इस बार उसके झांसे विच नहीं आउणगे। आम आदमी पार्टी के विधायक अते जिहड़े विरोधी धिर दे नेता ने हरपाल सिंह चीमा उन्हां सारयां ने प्रशांत किशोर नूं चोर कह दिता है अते बेअदबी करवाउण वाला, गुटका साहब की बेअदबी करवाउण वाला कह दिता है, क्योंकि उन्हां दा मनणा है आम आदमी पार्टी के विधायकों का कि जिहड़ी गुटका साहब की सहुं खाधी सी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2017 दीआं विधानसभा चोणां तों पहलां उह प्रशांत किशोर के कहण से ही खाधी सी, उदों बेअदबी करवा के वह दौड़ गया सी, अते एक बार फिर तो आ गया है। पंजाब के लोग प्रशांत किशोर नूं भी मुआफ नहीं करनगे। डॉक्टर धर्मवीर गांधी कहिंदे ने कि रिवाज बन गया है कि सरकारां ने काम नहीं करना, बस अंतले साल दे विच आके एक रणनीतिकार लै आउणा है अते उस रणनीतिकार ने जो जो दसना है लोगों नूं कह देना है अते एक बार फिर तो सरकार बना लेनी है। अजिहा हुण पंजाब के लीडरां नूं लगन लग पिया है। डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने भी तिखी आलोचना कैप्टन अमरिंदर सिंह दे इस कदम दी कर दित्ती है, पर प्रशांत किशोर की नियुक्ति नवजोत सिंह सिद्धू के नाल भी जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि आए दिन ही चर्चा चल पैंदी है कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं पंजाब दी कांग्रेस दे विच कोई ना कोई वड्डी जिम्मेवारी दिती जा सकती है। चर्चावां इत्थों तक भी चलियां सन कि 2022 दे लई कांग्रेस पार्टी दे वल्लों सीएम उम्मीदवार नवजोत सिंह सिद्धू हो सकते हैं, क्योंकि कैप्टन ने कह दिता सी कि मैं अगली चोण नहीं लड़नी है। कैप्टन मुकर चुके ने, नवजोत सिंह सिद्धू तरलों मछी हुंदे दिखाई दिंदे ने कि किसी ना किसी तरीके उन्हां नूं एडजस्ट कीता जावे, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर की नियुक्ति करके अपने एडवाइजर दे वजों अपने पैर पक्के करन दा अते 22 दीआं चोणां दे विच मुख्यमंत्री दे उम्मीदवार बनन दा ऐलान असिद्धे तौर ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों कर दिता गया है। अगे वधदे आ गल कर लैने आ किसानी अंदोलन दी। किसानी अंदोलन दे विच सारियां सर्दियां किसानां ने दिल्ली दे बार्डर ते लंघा लईआं ने, गर्मी वधदी जांदी आ ते गर्मियां दीआं तैयारियां भी किसानां दे वल्लों कीतियां जाण लग पईआं ने। ट्रालियां की जगह जिथे पहला ट्रालियां दे विच दिन रात कट्टिया जांदा सी ठंड दे करके, हुण ट्रालियां तो बाहर निकल के टेंट लाउण दा काम दिल्ली दे बार्डरां ते शुरू कर दिता गया। पक्कियां टॉयलेट्स भी बनाईयां जा रहीयां ने दिल्ली दे बार्डरां ते, कुछ लोगों के वल्लों ट्रालियां दे विच एसी भी ला लए गए ने। हुण जिहड़े नवें जत्थे पिंडां तों जा रहे ने दिल्ली बार्डर, वह कूलर अते पखे लै के जा रहे ने तां जो गर्मी दे विच कोई भी समस्या ना आवे। समरसिबल दे लई पक्के बोर भी कीते जा रहे ने दिल्ली दे बार्डरां ते। किसान आगू कहिंदे ने ठंड विच जेकर कोई कमी नहीं आउण दित्ती तां गर्मियां दे विच वी कोई भी कमी नहीं आउण दित्ती जाएगी। इस तों इलावा गर्मियां दीआं तैयारियां तों इलावा भाजपा नूं देश दे विच सबक सिखाउण दी तैयारी भी किसानां दे वल्लों कर लई गई है। जिन्हां सूबियां दे विच हुण चोणां होण जा रहीआं ने, पहलां चेतावनियां दित्तियां सन किसानां ने कि कानून रद्द कर दिओ नहीं तां चुनावी नुकसान करांगे। संयुक्त किसान मोर्चे की एक मीटिंग हुई है जिस तों बाद वड्डे ऐलान किसानां दे वल्लों कर दित्ते गए ने। पछमी बंगाल दे विच रैलियां कीतियां जाणगियां किसानां दे वल्लों। 4 मार्च नूं पहली रैली है जिहड़ी कि किसानां दे वल्लों नहीं कीती जा रही है। पछमी बंगाल दे लेखकां दे वल्लों, कवियां दे वल्लों अते विद्यार्थियां दे वल्लों उत्थे रैली कीती जा रही है, जिस दे विच संयुक्त किसान मोर्चे दे नुमाइंदे भी शमूलियत करनगे। इस तों बाद अगली रैली जिहड़ी कीती जाएगी वह 12 तरीक नूं निरोल किसानां दे वल्लों रैली कलकत्ते दे विच कीती जाएगी, वड्डी रैली की जाएगी अते भाजपा नूं हराउण दा सद्दा पछमी बंगाल दे लोकां नूं इस रैली तों दित्ता जाएगा। ऐलान यह भी कर दिता गया है कि जिहड़ी रैली कलकत्ते दे विच होणी है उस तों बाद 294 विधानसभा दीआं सीटां ने पछमी बंगाल दे विच, अते 294 सीटां लई ही उत्थों गड्डियां रवाना कर दित्तियां जाणगियां कि सारियां विधानसभा सीटां ते जा के लोकां नूं अपील करो कि भाजपा नूं हरा दिओ, ये
पार्टी सही नहीं है, ये लोगों की गल नहीं सुनती है। 15 मार्च नूं व्यापारियों के वलों केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे देश दे विच रोस प्रदर्शन किए जाने ने। संयुक्त किसान मोर्चे ने ऐलान कर दिता है कि व्यापारियों के प्रदर्शनों के विच किसान भी शमूलीयत करनगे, वध चढ़ के प्रदर्शनों के विच हिस्सा लैणगे। इस तरह भाजपा नूं सबक सिखाउणा चाहुंदे ने हुण किसान, अते उस दे लई रणनीति का ऐलान भी संयुक्त किसान मोर्चे के वलों कर दिता गया है। अगली खबर के वल वधदे आं जिहड़ी कि दीप सिद्धू दे नाल जुड़ी हुई है। संयुक्त किसान मोर्चे ने कह दिता सी दीप सिद्धू साडा बंदा नहीं है, पर श्रोमणी अकाली दल कन्फ्यूज्ड दिखाई देता है, आपस में दो फाड़ दिखाई देता है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा दे वल्लों जिहड़े गिरफ्तार किए गए किसान ने उन्हां दीआं जमानतां दे विच बहुत वड्डा योगदान पाया जा रहा है, अते उन्होंने सोशल मीडिया से ऐलान कर दिता कि जिहड़े लोग पुछ रहे हैं कि दीप सिद्धू का तुसीं साथ दिओगे जां फिर नहीं, उन्होंने मैं जवाब देना चाहुंदा हाँ कि हाँ दीप सिद्धू का साथ भी देंगे, उसकी जमानत भी करवावे, उसनू लवारिस नहीं छड़ांगे, ऐलान कर दिता मनजिंदर सिंह सिरसा ने। बिक्रम सिंह मजीठिया को पूछा गया कि अकाली दल के लीडर ने मनजिंदर सिंह सिरसा वो कहिंदे ने दीप सिद्धू नू जमानत दवावे, मजीठिया ने इनकार कर दिता, वो कहिंदे ने कि किसानां दे तां असीं नाल हाँ, पर जिहड़े बंदे भाजपा वल्लों छड़े गए सन दीप सिद्धू वर्गे कि किसानी अंदोलन का नुकसान करना है, श्रोमणी अकाली दल कदे भी उन्हां दा साथ नहीं देगा अते ना ही मनजिंदर सिंह सिरसा उन्हां दा साथ देणगे, साफ इनकार बिक्रम सिंह मजीठिया दे वल्लों कर दिता गया। इस तरह दो फाड़ हुंदा श्रोमणी अकाली दल दीप सिद्धू दे मसले ते दिखाई दिता है। अगली खबर के वल वधदे आं जिहड़ी कि मोदी सरकार दे नाल जुड़ी हुई है। देश दे विच होर भी बहुत सारिया समस्यावां ने, जिवें कि महंगाई हुण लगातार वधदी दिखाई दिंदी है, पर चोणां तों पहलां मोदी सरकार दे वल्लों 2 करोड़ नौकरी एक साल दे विच प्रति साल 2 करोड़ नौकरी देण दा ऐलान किया गया सी, पर महंगाई दे नाल नाल बेरोजगारी भी देश दे विच लगातार वधदी जांदी है। देश दे साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह दे वल्लों बेरोजगारी नूं लै के मोदी सरकार की आलोचना की गई है, तो उन्होंने कारण दस्सिया है कि बेरोजगारी इन्नी देश दे विच क्यों वधदी जांदी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है कि बेरोजगारी के वधन का मुख्य कारण यह है कि मोदी सरकार के वल्लों जिहड़ा भी फैसला देश दे विच लागू किया जाता है वह बिना सोचे समझे लागू किया जा रहा है, पहली गल, अते दूजा जिहड़ा भी फैसला लागू करना हुंदा है उस दे विच केंद्र सरकार सूबा सरकारां दे नाल गलबात चंगी तरह नहीं करदी है। जदों देश दे विच कोई लागू करना हुंदा है फैसला, कोई नवां रूल कानून कोई लियाउणा हुंदा है तां सूबियां दे नाल गलबात करनी जरूरी हुंदी है, पर यह मोदी सरकार अपने वल्लों ही फैसले करी जांदी है अते बिना सोचे समझे ही उन्हां फैसलिआं नूं लागू करी जांदी है, जिस करके फैसले चंगी तरह लागू नहीं हो पाउंदे। अते सब तों वड्डा बेरोजगारी दा कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह दे वल्लों नोटबंदी दे फैसले नूं दस दिता गया है। वह कहिंदे ने कि नोटबंदी ने मध्यम वर्ग दे अते छोटे व्यापारियों नूं बिल्कुल कमजोर कर दिता है, उन्हां दा लक तोड़ के रख दिता है, इस करके ही आम पद्धर से जिहड़ा कि बिल्कुल आम वर्ग है व्यापारियों का उन्होंने काफ़ी आर्थिक तौर पर कमजोरी आई है, जिस दे करके बेरोजगारी लगातार देश दे विच वधदी जा रही है। सलाह दिती है कि गलबात करके सूबियां दे नाल अते सोच विचार करके ही फिर ही कोई फैसला पूरे देश दे विच मोदी सरकार नूं लागू करना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह दे वल्लों यह सलाह मोदी सरकार नूं बेरोजगारी नूं देखदिआं दे दिती गई है। अगे वधदे आं आम आदमी पार्टी की गल कर लेने। आम आदमी पार्टी के वल्लों 2022 दीआं चोणां नूं लै के तैयारियां खिंचियां जा रहियां ने, आए दिन ही आम आदमी पार्टी के विच कोई ना कोई वड्डी शख्सियत शमूलीयत कर लेंदी है। अज चंडीगढ़ दे विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विरोधी धिर दे नेता हरपाल सिंह चीमा, पंजाब दे इंचार्ज जरनैल सिंह अते यूथ विंग दे सह प्रधान अनमोल गगन मान दे वल्लों की गई। उस दे विच लोक इंसाफ पार्टी दे सीनियर लीडर मनविंदर सिंह ग्यासपुरा नूं आम आदमी पार्टी विच शामिल कर लिया गया। मनविंदर सिंह ग्यासपुरा लोग सभा की चोण भी श्री फतेहगढ़ साहब तो लोक इंसाफ पार्टी के वल्लों लड़ चुके हैं। बीते दिन उन्होंने लोक इंसाफ पार्टी बैंस के नाल मनमुटाव होने तो बाद छड़ दिती सी अते आम आदमी पार्टी में शामिल होने का ऐलान मनविंदर सिंह ग्यासपुरा के वल्लों कर दिता गया है। जरनैल सिंह कहिंदे ने कि आने वाले दिनों के कई वड्डे चेहरे आम आदमी पार्टी में आउणगे। LOP हरपाल सिंह चीमा कहिंदे ने कि इन्ने वड्डे वड्डे चेहरे आप विच आ रहे हैं, इस तों साफ हुंदा है कि लोगों नूं तब्दीली दी उम्मीद सिर्फ ते सिर्फ आम आदमी पार्टी तो ही बची है, इसे करके ही वड्डियां शख्सियतां आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रही ने।
ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ, ਜੇਕਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।